कोई तो ये कहता है कि मनु भैया बड़े जालिम सिंह है और मनु भैया हथौड़ी मार के आदमी को बीमार करते हैं। ठीक है, मनु भैया की हथौड़ी से लोगों का नुकसान होता है, आप ये बात कहना चाहेंगे? क्यों, मेरा तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? तो क्या आपका ही हथौड़ी से फायदा होता है या सबका ही फायदा होता है? आप यहाँ देखते हैं, यहाँ तो मैंने देखा सबका ही होता है। सबका ही होता है तो हथौड़ी से क्या होता है, दर्द कम होते हैं कि बढ़ जाते हैं? कम होते हैं। आपको क्या हुआ था? ये हटा देना मास्क से क्या होगा? एक बात तो है, मास्क आपका आपके ही कपड़े का है, वेरी गुड, मैचिंग पूरी की पूरी है। बच्चे बना देते हैं गुरुजी। अच्छा, बच्चे ही बना देते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में ही रहते हैं? पहले थे पंजाब में, वैसे। अच्छा, पहले वैसे तो पंजाब के ही रहने वाले हैं ना। हाँ, तो दिल्ली के, इसके पापा डीडीए में थे। किसके पापा डीडीए में थे? बच्चों के। अच्छा, तो फिर इसके किसके लिए कहा, बच्चों के लिए? बच्चे को भी रोने, रोना नहीं है। रोएंगे ना तो ये और मजबूत हो जाएगा जो अंदर है सोधा। हाँ, ये खार खाता है, इसको आपके आंसू चाहिए। आप आंसू देना चाहेंगे उसको? हाँ नहीं गुरु जी, मैं आपका सुनाना चाहती हूँ। मेरा सहारा तो आपको मिल ही गया, आप पालथी मार के बैठे हुए। आपने डॉक्टरों को दिखाई थी ये बीमारियाँ? क्या बता रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बोले पहले तो कोई कुछ नहीं बताता था, ऐसे दवाई दे देते थे, देसी दवाई मैंने 15,000 की खाई है। अच्छा, फिर 15 दिन की थोड़ा फर्क हो जाता था, फिर बैसा ही होता। ऐसे पालथी मार के बैठ पाते थे आप? ऐसे पालथी मार के बैठे हुए कितना टाइम हो गया था? बहुत टाइम हो गया गुरुजी, नीचे कभी बैठे नहीं हो। नीचे भी कभी बैठ नहीं पाए? अब तो आप नीचे ही बैठे हैं, एक तरह से ऐसे ही आप जमीन पे बैठ जाएंगे। जैसे आपकी पालथी लगी हुई है, कमर सीधी है, आप इत्मीनान से बात कर रहे हैं, ऐसा कितने सालों बाद हो पाया? हाँ जी, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से डॉक्टरों को दिखाया था? हाँ, से दिखा रही। तब से ही दिखा रहे। अब इसको छोड़ दीजिए आप, बार बार। हाँ, कहाँ पे? तो रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए आप ठीक हो गए, रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए। आप जमीन पे बैठने लगे, रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए कि आप उनको चाय पिला के बना के दे सकती है? जय शनिदेव, है ना, दे सकती है कि नहीं दे सकती है? तो आपको हुआ क्या था, डॉक्टरों ने क्या बताया था? मुझे गठिया भाई। हाँ जी, अब तो गठिया भाई कह रहा उसी की दवाई दे रहा। अच्छा, कह रहा जो नहीं आराम आया दर्द में तो दवाई चेंज करूंगा, आराम आ नहीं रहा था ढंग से गुरु जी। अच्छा, दर्द में आराम आ नहीं रहा था और कहा था कि अगर दर्द में आराम नहीं आया तो दवाई चेंज करूंगा, तो अब दर्द में आराम है? हाँ जी, इधर आने से है। तो डॉक्टर ने क्या बताया था कि गठिया भाई की दवाई आपको कब तक खानी पड़ेगी? कह रहा सारी उम्र खानी पड़ेगी। क्यों, सारी उम्र दवाई खाने का क्या रहस्य है? डॉक्टर साहब, आप कौन सी दवाई सारी उम्र खा सकते हो? ये जो बीमारी कह रहा कम हो जाएगी, मतलब दब जाएगी, हटेगी। देखो कितने दिन, हटेगी नहीं दब जाएगी, कितने दिन आपने इसकी दवाई खाई है? रोज ही खाते हैं। तो आपके दर्द कम हुए हैं कि बढ़े? हाँ जी, पहले तो थोड़े मतलब दब गए थे जैसे। हाँ, अब फिर एकदम से हिल नहीं रही थी। अब तो मैं इधर आने से घर से बाहर भी थोड़ा जाती हूँ, घर से बाहर जाती हैं, घूमने लगी हैं और दर्द खत्म हो गए हैं। हाँ जी, ये सारा सुख आपको मिल गया है। पालथी भी मारने लगे हैं, बैठने भी लगे हैं, आज आपने देख भी लिया ये सारा का सारा। आपने आज ही पालथी लगी है आपकी, आज के पहले कभी नहीं लगी। आप मुझे ये बताइए कौन कौन से हॉस्पिटल में और डॉक्टर को आपने दिखाया? डॉक्टर दोनों जब मैं जब गढ़ में एक बाबा जी ने आगे उनका वो है मंदिर है। अच्छा, हाँ जी, उधर से फिर 6 सेक्टर द्वारका में 6-7 पीछे डॉक्टर है ना, अब उसी से खा रही हूँ। उसी से खा रहे थे? हाँ जी, अब उसी से ही खा रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ। कुछ टेस्ट भी हुए हैं आपके? हाँ जी, टेस्ट वेस्ट करते हो, कह रहे बाहर कम है, विटामिन डी की कमी है और वो गोली देते हैं तो कैल्शियम की। खैर कोई बात नहीं, सब इनके लिए तालियां बजाएंगे एक बार जोरदार। उनको आराम मिल गया, वो ठीक हो गए और पालथी भी आज उनकी 16 साल बाद आज वो पालथी मार के बैठे। जय शनिदेव, जय शनिदेव। पीटने के लिए क्षमा कीजिए, दर्द बहुत होता है। क्या अब आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। कितने दिन से परेशान थे? इनके साथ कौन सा नाम बोला था भाई मैंने? तो कहां कहां इलाज कराया था? हाँ, राजकुमार जी आ जाइए। तो कैसे पता लगा आपको कि शनि धाम में बिना दवाइयों के आप ठीक होंगे? मैं फोन पे
उसके पापा जब ऐसे खत्म हो गए तो बहुत परेशान थे हम। तो कोई नहीं उसको यहां पे देखती थी वो गाड़ी ले अंदर जो दो नहीं आगे दूर वाले अंदर उधर जाने की सोचती थी सोचती जाऊं कैसे। तो फिर देखते देखते इधर का आ गया चनिंदा मैंने रोज तो उसी से पता चला ये और इसने बताया था जय श्री इसने कल बताया।